हल्द्वानी में आज से 20वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता अगले 3 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 13 जिलों की 14 पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 20वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रतियोगिता का शुभारंभ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया। वहीं इस दौरान दीपक रावत ने कहा कि विभागों में खेलों का आयोजन होना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से खेलों के आयोजन का चलन घटा है, इसीलिए इस तरह के आयोजन करने से खेलों का चलन बढ़ेगा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। स्टेडियम के कायाकल्प होने से यहां अन्य तरह के खेलों का आयोजन भी होगा, जिससे खेलों के प्रति हमारी रुचि भी बढ़ेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी अंतरवाहिनी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई है। कमिश्नर साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है और ये 30 तारीख तक चलेगी। इसमें 14 टीमें कुल प्रतिभाग कर रही हैं, जिनको 2 पूलों में साथ साथ के 2 पूलों में बांटा गया और 30 तारीख को इसका समापन DIG महोदय द्वारा किया गया। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। ये जो अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी नैनीताल कर रहा है, अच्छी बात है। और विशेषकर गवर्नमेंट में तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि फिटनेस थोड़ा इस पर और भी विशेष ध्यान देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वर्किंग आवर्स ऑड हैं। मुझे लगता है कुछ जगहों पे स्ट्रेस भी होगा। बहुत आवश्यक है हम इसे खेलें और हमारे यूथ भी खेलते रहें। अच्छा कदम है और भी स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में डेवलप करने चाहिए। और ये स्टेडियम जहाँ हल्द्वानी में हो रहा है, इसके लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में जो 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है, जो बहुत समय से डिमांड थी कि सेंटर प्लेस पर यह स्टेडियम है, लेवल्ड नहीं है, इसमें घास नहीं है।